हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम है। तो कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि 12th क्लास के बाद में अगर आपको बीटेक करना है तो उसके लिए प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस टॉप के कौन से होते हैं, तो टॉप कॉलेज में आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले कॉलेज के बारे में बात करते हैं। यूपीएस देहरादून का एक बहुत अच्छा कॉलेज है, ठीक है। इसमें बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसमें कि 10th और 12th में आपके 50% आने चाहिए, और दूसरा है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस की मैं बात करूं, अगर यूपीएस देहरादून की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है तो उसके दो तरीके हैं एडमिशन प्रोसेस है। एक तो ये कि आपको उसका एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा, यूपीएस ईएटी का एक एग्जाम होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा होता है मेरिट बेस्ड, यानी कि जो आपका जेई मेंस आप दे सकते हो उसके बेस पे भी इसमें एडमिशन हो सकता है, ठीक है। जो आपका 12th का जो मेरिट बेस्ड है, 12th का जो रिजल्ट है उसके बेस में भी आपका एडमिशन हो सकता है। तो यूपीएस बहुत अच्छा कॉलेज, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूं, 2020 तक इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 167, तो बहुत अच्छा कॉलेज है। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट बेसिकली क्या है कि हाईएस्ट पैकेज इसका है 45 लाख और इसका एवरेज पैकेज 5.25 लाख, ठीक है। तो ये पूरा मैंने आपको बता दिया यूपीए देहरादून कॉलेज के बारे में। और प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ और यूपीए देहरादून के बारे में, तो बेसिकली इसका हाईएस्ट पैकेज जाता है 45 लाख और इसका जो एवरेज पैकेज जाता है 5.25 लाख, यानी कि एवरेज का मतलब जितने मान लो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से अगर 50 लोग प्लेस होंगे तो 50 लोग को कम से कम 5 लाख का तो पैकेज मिलेगा ही, 5.5 लाख का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया यूपीएस देहरादून के बारे में। सेकंड कॉलेज के बारे में एसआरएम यूनिवर्सिटी, आपने शायद इसके बारे में सुना होगा, बहुत अच्छा कॉलेज है। इसके लिए बेसिकली क्या है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको इसका एक एग्जाम देना पड़ेगा जो कि एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो होता है एसआरएम जेई का, ठीक है। एसआरएम जेई का एक पेपर होता है जो कि आपको देना पड़ेगा, उसके बाद जैसे ही आपकी रैंक आएगी, जो भी आपका स्कोर है उस हिसाब से आपका रिजल्ट, मतलब उस हिसाब से आपका एडमिशन इस कॉलेज में हो सकता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 10+2 आपका होना जरूरी है, ठीक है। और उसके अलावा इसमें बात करें अगर डायरेक्ट एडमिशन की बात करूं तो डायरेक्ट एडमिशन सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है जिनके नंबर अच्छे आए होते हैं, मतलब जो टॉपर होते हैं, स्टेट टॉपर, बोर्ड टॉपर, उनके क्या है कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपको हाईएस्ट पैकेज बताऊं इस कॉलेज का, तो हाईएस्ट पैकेज है 35 लाख और एवरेज पैकेज है 10 लाख और लोएस्ट पैकेज है 5 लाख, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कॉलेज के बारे में। ये बहुत टॉप कॉलेज में आपको एक एक करके लिस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सेज यूनिवर्सिटी भी एक कॉलेज है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपको 10th और 12th आपके 60% आने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने लिया हुआ होना चाहिए, मतलब सब्जेक्ट आपका पीसीएम होना चाहिए, ठीक है। और मैं बात करूँ इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जेई मेन्स इसका आपको देना जरूरी है, जेई मेन जो रैंक है उसके बेस पर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। और आपके जो 12th मार्क्स है उसमें इंपॉर्टेंट करते हैं, ठीक है। और उसका अगर बात करूँ पैकेज, तो 10 लाख कुछ पैकेज जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, थापर यूनिवर्सिटी। थापर यूनिवर्सिटी बहुत सबसे टॉप कॉलेज माना जाता है, पटियाला का सबसे फेमस सबसे टॉप कॉलेज में से एक होता है थापर यूनिवर्सिटी। तो इसका बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेस ये है कि इसका आपको जेई मेंस का पेपर देना पड़ेगा, जेई मेंस नेशनल लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो इसमें देना पड़ेगा, 12th के बेस में भी, मेरिट बेस में भी इसमें एडमिशन होता है। इसके बाद मैं अगर बात करूँ और जो भी अगर आपको मान लो फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, तो उसके लिए आप इसकी जो thapar.edu की जो वेबसाइट है उसमें आप जाके उससे भर सकते हो, और दूसरा एग्जाम करके भी एक वेबसाइट है उसमें आप जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो इस कॉलेज के लिए, ठीक है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में, तो 26 इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है और इसका हाईएस्ट पैकेज आता है 39 लाख और उसका एवरेज पैकेज आता है 7 लाख, यानी कि 7 लाख एवरेज पैकेज। देखो कोई भी चीज़ में अगर आप कॉलेज आप देख रहे हो तो उसका पहले हाईएस्ट पैकेज देखने से पहले आप उसका एवरेज पैकेज देखो, क्योंकि मतलब एवरेज मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट को उतना पैकेज जाएगा। जैसे इसमें 7 लाख बताया गया, दैट मीन्स कम से कम स्टूडेंट को 7 लाख का पैकेज लगेगा और एट मैक्स ज़्यादा कितना लग सकता है, 39 लाख लग सकता है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एमिटी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो उसके एमआईटी यूनिवर्सिटी बेसिकली क्या है, एनआईआरएफ रैंकिंग इसकी 35 है और अगर बात करें इसकी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म आप इसकी डायरेक्ट MIT.in में इसकी वेबसाइट है उसमें आप जाके सीधा फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, 10th और 12th की जो भी रिक्वायरमेंट वगैरह डॉक्यूमेंट्स होंगे आप भर सकते हो, फिल कर सकते हो। और उसका हाईएस्ट पैकेज मैं आपको बताऊँ तो 18 लाख है और उसका जो मैं हाईएस्ट बताऊँ तो 18 लाख है और एवरेज पैकेज 3 लाख, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, बिट्स मिश्रा के बारे में, BIT मिश्रा। तो इसमें बेसिकली मेरिट बेस में भी एडमिशन होता है, दूसरा होता है एंट्रेंस के बेस में भी एडमिशन होता है, ठीक है। और इसकी एनआईआरएफ रैंकिंग है 16 और इसके अलावा हाईएस्ट पैकेज इसका जाता है 49.76 और हाईएस्ट पैकेज जाता है इसका 11.76। तो ये था BIT मिश्रा के बारे में, सब टॉप कॉलेज में आपको बता रहा हूँ एक करके। इसके बाद मैं आपको बता दूँ नेक्स्ट कॉलेज के बारे में, MSRIT रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बैंगलोर का सबसे फेमस कॉलेज है बीटेक के लिए। इसमें बेसिकली आपको कॉमेड की और KGET का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद आपका इस कॉलेज में अब ऑनलाइन आप इसमें कर सकते हो एडमिशन, ठीक है। NIRF रैंकिंग इस कॉलेज की बताऊँ तो 59 है और अगर हाईएस्ट पैकेज बताऊँ तो 50 लाख है और एवरेज पैकेज है 7.6 लाख, ध्यान से सुन रहे सब चीज़, ठीक है। तो MSRIT बहुत अच्छा कॉलेज, सब टॉप कॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ जो टॉप के जो प्राइवेट है
ये सबको वो कॉलेजेस में चाहिए। DAICCT गांधीनगर का एक कॉलेज होता है, कॉलेज है धीरू भाई अंबानी करके कॉलेज है, ठीक है, बीटेक के लिए। तो ऐसे इसमें बेसिकली क्या है, दो तरीके से एडमिशन होता है। एक तो ये कि मेरिट बेस्ड, जो भी आपका 12th का स्कोर है उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। दूसरा ये कि जेई मेन का जो आपका स्कोर है उसके बेस पे एडमिशन होगा, और जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम के बेस में इसका इसमें आपका एडमिशन होता है इस कॉलेज में। NIRF रैंकिंग की बात करते हैं 91 इसकी NIRF रैंकिंग है, और हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 39.3 लाख पर एनम, और एवरेज पैकेज आता है इसका 10.16 लाख। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे जितने भी टॉप कॉलेजेस होते हैं मैंने आपको बता दें, और भी कॉलेजेस होते हैं लेकिन जो सबसे टॉप के जो कॉलेजेस होते हैं प्राइवेट के लिए, तो ये बहुत सारी कॉलेज हैं, मैंने आपको जो भी बताया हूं, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करो, जो भी आपका डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करो, आपको इस टाइप के इंपॉर्टेंट वीडियो अक्सर मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू देन।